हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे अंक की मात्रा को लगाकर शब्दों को पढ़ना अंक की मात्रा क्या होती है ये देखिए किसी अक्षर के ऊपर जब एक बिंदी लगा दी जाती है तो उस बिंदी का साउंड उस अक्षर के साउंड के साथ जुड़ जाता है और जिस भी अक्षर के ऊपर ये बिंदी होती है उस अक्षर के बाद इसका साउंड एड होता है देखिए जैसे यहाँ बिंदी अ के ऊपर है तो अ के साथ हमने जोड़ा अं का साउंड अपनी जीप को तालू के साथ टच कीजिए और नाक में ये आवाज़ निकालिए अं 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 उसके आगे लिखा हुआ है क तो शब्द बना अंक, अंग। नेक्स्ट देखिए अब ड के ऊपर वही बिंदी तो ये बना शब्द डंक, डंक, पंक, पंक हमें बहुत ध्यान से ये चीज देखनी है कि जिस अक्षर के ऊपर है जिस अक्षर की स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है बिंदी का साउंड उसी अक्षर के साउंड के बाद आएगा ये देखिए रंग जंग तंग दंग अंग संग भंग गंद वंश दंश कंठ, ठंग, गंगा मंदा दूसरी मात्रा कौन सी है आकी और पहली अंकी चंगा दंगा गंदा जिस अक्षर के साथ जो मात्रा है हमें उसके साथ उसी तरह से पढ़ना है चंदा डंडा झंडा लंबा पंगा अब देखिए तीन अक्षर वाले शब्द देखते हैं प के ऊपर है बिंदी नहीं तो इसको हम प का प ही पढ़ेंगे बिंदी किसके ऊपर है त के ऊपर प तंग अब बिंदी त के ऊपर है तो साउंड भी त के साथ जुड़ेगा प तंग प लंग अंदर बंदर कंचन चंदन नंदन मंजन अब यहां देखिए अंग ग ऊपर कौन सी है बड़े ओ की मात्रा अंगूर लंगूर स सर पर छोटी की मात्रा भी है और स के डंडे पर बिंदी भी है देखिए इसमें दो मात्राएं हैं तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है पहले हम पढ़ेंगे सी क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है और फिर क्या आई बिंदी तो सिन और उसके बाद द दूर द के ऊपर कौन सी है बड़े ओ की मात्रा सिं दूर स पर पहले छोटी की मात्रा थी और फिर बिंदी दोनों मात्राएं हैं तो हमें बहुत ध्यान से मात्राओं को लगाना है सुंदर ती रंगा ना रंगी सा रंगी पन जाब अब यहां देखिए आ आ न के ऊपर क्या है बिंदी अंग की मात्रा आ नंद देखिए ओ की मात्रा ओ की मात्रा भी है और अंग की मात्रा भी है तो पहले हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा घो और उसके ऊपर है बिंदी तो बना घो घोंसला पंडित नारंगी चंपत होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अंग की मात्रा लगाकर शब्दों को किस तरह से पढ़ा जाता है अंग की मात्रा जिस भी अक्षर के ऊपर होती है उस अक्षर के बाद अंग का साउंड आता है अपनी जीप को तालू से लगाकर नाक से आवाज निकालिए तो चलिए अंग की मात्रा की प्रैक्टिस करते हैं किताब में से खूब सारे शब्द पढ़ते हैं और इस वीडियो को ध्यान से समझकर अपनी बुक में से भी अंक की मात्रा को ढूंढकर किसी पेपर पर लिखिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पर हाँ अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस को देख रहे हैं तो झट से कर दीजिए क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है बाय टेक केयर लव यू ऑल